स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। इसमें जो आज हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है वो है जी प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। दो प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, वेपोरेशन एंड वेपर प्रेशर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वेपोरेशन क्या होता है। तो वेपोरेशन इज ए फिजिकल प्रोसेस इन विच वाटर इज और लिक्विड इज कन्वर्टेड इन टू वेपर फेज। ठीक है, अब ये हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं कर सकते। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है जी, अब हमारे पास ये लिक्विड मौजूद है किसी भी कंटेनर में। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स लो सरफेस पे भी मौजूद है, हाई सरफेस पे भी मौजूद है। ठीक है, तो ये जो सरफेस मौजूद है हाई सरफेस ऊपर वाली, यहाँ पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे इसका मूव कर जाना इनटू एटमॉस्फेयर। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी, वेपोरेशन कहते हैं। यानी द एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए लिक्विड इज नोन एज वेपोरेशन। अब अगर हम लिक्विड की बात करें, हमारे पास जो लिक्विड है इसमें दो तरह की फोर्सेस मौजूद होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो हम लोगों ने चैप्टर 4 में डिस्कस की थी। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो एटम्स के दरमियान होती हैं और इंटरमॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं। सपोज यहाँ पे हम वाटर की बात कर लें, तो वाटर में जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो क्या है जी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग है। जबकि जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ जाती है वो कौन सी आ जाती है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। ठीक है, तो वो फोर्सेस वाटर है, ठीक है, कंटेनर में एक वाटर का मॉलिक्यूल तो मौजूद होगा नहीं। ठीक है, जैसे हम एक ग्लास वाटर लेते हैं तो हम ये नहीं कहते कि ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, उसमें लॉट्स ऑफ क्या होते हैं जी, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं और हर मॉलिक्यूल में क्या होगी जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी एक ही दूसरे के साथ। ठीक है, ये क्या आ जाती है जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। तो इन्हीं फोर्सेस को, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड के दरमियान मौजूद होती हैं वो क्या होती हैं जी, कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है, इसको क्या नाम दिया जाता है जी, कोहेसिव फोर्सेस। अब ये कोहेसिव फोर्सेस डिफरेंट होती हैं हर सारे लिक्विड में, ठीक है, क्योंकि हर लिक्विड की नेचर क्या है, डिफरेंट होती है। कुछ लिक्विड्स हमारे पास क्या होते हैं जी, पोलर होते हैं, और कुछ लिक्विड्स हमारे पास क्या होते हैं जी, नॉन पोलर होते हैं। अब जो पोलर होते हैं उनमें पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप होते हैं, अपोजिट चार्जेस होते हैं, जिसकी वजह से इनमें जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं जी, स्ट्रांग होती हैं। जबकि इसमें कोई फोर्स, ठीक है, कोई अपोजिट चार्जेस नहीं होते, जिसकी वजह से इनके लिक्विड्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं जी, वीक होती हैं। तो जिनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है उनकी वेपोरेशन क्या होगी जी, ज़्यादा होगी। जबकि जिनमें क्या है जी, आपके पास स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको वेपोरेशन क्या होगी जी, कम होगी। ठीक है, क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी उन फोर्सेस को तोड़ने के लिए। तो हम इस प्रोसेस को देखें, वेपोरेशन क्या है जी, हर टेम्परेचर पर वेपोरेशन होती है। यहाँ पे हम अगर देखते हैं जी, ये हमारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर में क्या मौजूद है जी, हमारे पास लिक्विड मौजूद है, कोई विस्कोस वाटर मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पे सरफेस पे मौजूद हैं, कुछ यहाँ पे सेंटर में भी मौजूद हैं और कुछ यहाँ पे लो साइड पे मौजूद हैं। तो जो मॉलिक्यूल हाई सरफेस पे मौजूद होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है जी, हाई होती है। जो सेंटर में मौजूद है हम कह सकते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है जी, एवरेज, और जो सबसे नीचे है जो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, लो है। ठीक है, अब अगर हम इसी लिक्विड को क्या करें जी, इसी कंटेनर को हीट करना शुरू करें, लिक्विड को हीट करेंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल, सपोज इस साइड पे जो लो है उसका मैंने एक मॉलिक्यूल शो कर दिया, यहाँ पे एवरेज साइड पे जो मौजूद है उसका मैंने एक मॉलिक्यूल शो कर दिया, और जो हाई सरफेस है पे मौजूद है जी मॉलिक्यूल उसका हमने एक मॉलिक्यूल शो कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से जब हम इसको हीट करें, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, इस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या थी, कम थी। तो यहाँ पे जब इसको हीट किया, ठीक है, उसको एनर्जी मिली, एनर्जी जो उसे मिलेगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ पे इसको हीट मिली, ठीक है, एनर्जी मिली, तो यहाँ से ये मूव करके जाएगा, इस मॉलिक्यूल के साथ आगे क्या करता है, स्ट्राइक करता है। ठीक है, अब जब कोई चीज दूसरे के साथ स्ट्राइक करेगी तो अपनी ये एनर्जी ट्रांसफर कर देगा जी इस मॉलिक्यूल को। अब इसकी एनर्जी पहले से ही इसकी निस्बत ज़्यादा थी, और ज़्यादा एनर्जी मिली तो ये मूव कर जाएगा जी इधर। ठीक है, नेक्स्ट जो हाई सरफेस पे मॉलिक्यूल मौजूद था उसके साथ जाकर स्ट्राइक करेगा। अब जो हाई पे मौजूद था उसकी ऑलरेडी क्या थी जी, एनर्जी ज़्यादा थी, और ज़्यादा एनर्जी मिली। अब इस मॉलिक्यूल के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी कि जो यहाँ पे इसके इर्द गिर्द मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उनके साथ जो उसकी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो क्या हो जाएगी, उसको खत्म करके यहाँ से क्या कर सकेगा, इजीली स्केप कर जाएगा इनटू ओपन एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा फिनोमेनन आ जाता है जी, वेपोरेशन का। इसमें क्या है, जब हम हीट करते हैं, हीट करने से एक मॉलिक्यूल को एनर्जी मिली, ठीक है, एनर्जी मिली तो ये क्या करेगा, मूव करेगा, नेक्स्ट स्ट्राइक करेगा, अगले के साथ अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, अब इसकी एनर्जी पहले ही ज़्यादा थी और एनर्जी मिली तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, अब जब हाई सरफेस पे वो पहुंच जाएगा, वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स मौजूद थे उनकी ऑलरेडी एनर्जी क्या थी जी, ज़्यादा थी, और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो अब
इसके पास इतनी एनर्जी है कि ये अपने इर्द गिर्द जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उनके साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी है उसको क्या कर सके, उसकी जो हाइड्रोजन बर्निंग है या फिर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है उसको क्या कर सके जी, खत्म कर सके। तो यहाँ से ये खत्म करके क्या कर जाएगा, एस्केप कर जाता है जी ओपन एटमोसफियर में। यहीं पर एक क्वेश्चन आता है जी वाई वैपोरेशन कॉज कूलिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वाई वैपोरेशन कॉज कूलिंग। अब यहाँ पे हम बात करें ठीक है, वाइब्रेशन की वजह से कूलिंग क्यों होती है ठीक है, ठंडा क्यों महसूस होती है। इसके लिए अगर हम एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, हम कोई भी रोज़ सा लिक्विड ले लें ठीक है, जो कि क्या है नॉन पोलर है, जो इसमें क्वासी फोर्सेस वीक है, इजीली वैपोरेट हो जाए ठीक है। अब हम अपने हाथ में अगर उसको कोई एक ड्रॉप रखें, अब वो मॉलिक्यूल यहाँ पे मौजूद है, उसको वैपोरेट होने के लिए क्या चाहिए जी, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से लेगा, हमारे हाथ की जो हीट होगी ठीक है, उधर से वो क्या कर जाएगा, उस हीट को अब्जॉर्ब करेगा ठीक है। अब्जॉर्ब करके जब उसके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो क्या कर सके, स्केप कर जाए एटमॉस्फेयर में ठीक है, मूव कर जाएगा, वैपोरेट हो जाएगा ठीक है, अपनी फोर्सेस खत्म करके। तो यहाँ पे जो उसने टेम्परेचर मौजूद था वो उसने अब्जॉर्ब कर लिया, वो चला गया जी ओपन एटमॉस्फेयर में चला गया, जिसकी वजह से रिमेनिंग जो आपके इसकी सराउंडिंग होगी उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कौन सी हमें सेंसेशन आती है जी, कूलिंग सेंसेशन आती है। तो ये था हमारा टॉपिक वेपोरेशन। दूसरी प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो है जी वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर क्या है जी, वेपर प्रेशर को डिस्कस करने के लिए यहां हमने इसको हीट किया जी ओपन, इसको हमने ओपन कंटेनर में हीट किया था, तो इसको हम क्या करेंगे, वेपर प्रेशर को डिस्कस करने के लिए हम इसको हीट करते हैं जी क्लोज कंटेनर में। क्लोज कंटेनर हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमने क्या करना है, हमारे पास जो ये जो कंटेनर होगा जिसमें हमें लिक्विड को हीट करना है, उसको हमने क्या कर देना है, उसके ऊपर कोई लिड रख देनी है, ढक्कन रख देना है, उसको क्लोज्ड कर देना है ठीक है। अब जब यहाँ पे हमारे पास लिक्विड मौजूद है ठीक है, यहाँ पे अब आपको पता है लिक्विड की जो ऊपर वाली सरफेस होगी यहाँ पे क्या मौजूद होती है जी, एयर। हमने क्या करना है, इसको एयर फ्री कर लेना है, यहाँ से हमने एयर हवा निकाल देनी है, एयर रिमूव कर लेनी है ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास एयर मौजूद नहीं है, हमने निकाल दी यहाँ से हवा, अब हमारे पास इस कंटेनर में सिर्फ क्या है जी, लिक्विड मौजूद है ठीक है, जिसको हमने कवर कर दिया है किसे, लीड से। अब हमने इसको क्या करना है, हीट करना है, हीट करेंगे ठीक है। हीट करने से कौन सा प्रोसेस होगा जी, वेपोरेशन का प्रोसेस होगा, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया है जी, क्लोज्ड कर दिया है। तो ये जो वेपर्स है वहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे, जहाँ से हमने क्या की थी जी, एयर रिमूव की थी। तो हम कह सकते हैं एयर रिप्लेस हो जाएगी बाय वेपर्स से ठीक है, वेपर्स कोई भी लिक्विड है, सपोज वाटर है, तो वेपर्स आप लिक्विड से ही क्या हो जाएगी जी, रिप्लेस हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होंगे, जब यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब यहाँ पे क्या है कंट्री, यहाँ पे क्या होंगे जी, वेपर्स ज्यादा हो जाएंगे। वेपर्स क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, कूलिंग की वजह से क्या होगी, इसकी मूवमेंट होगी और कुछ मॉलिक्यूल जो से हैं वो दोबारा से क्या हो जाएंगे, इस सरफेस पे आ जाएंगे ठीक है। कूलिंग की वजह से क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा से जो वेपर्स गए थे ठीक है, एक तो वेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, जब कूलिंग होगी ठीक है, कोलाइड करेंगे आपस में, कूलिंग से क्या होंगे जी, मॉलिक्यूल दोबारा क्या करेंगे, सरफेस ऑफ लिक्विड पे क्या होंगे जी, कैच हो जाएंगे ठीक है, दोबारा से सरफेस पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे फिर क्या होगा जी, वेपर से जो मूव कर रहे हैं दोबारा से लिक्विड स्टेट पे, कौन सा प्रोसेस होगा जी, कंडेंसेशन। जबकि ये प्रोसेस था जब हमने हीटिंग स्टार्ट की थी तो तब क्या हो रही थी जी, एवेपोरेशन। तो ये दोनों प्रोसेस क्या होते हैं जी, एक दूसरे के इक्विलिब्रियम क्या करते हैं जी, एक पैरेलल जोर से हम मूव करते हैं ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टार्ट में जब हमने हीट किया था तब वेपर्स मौजूद ही नहीं थे ठीक है, तो तब रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या था हमारे पास, ज्यादा था ठीक है। फिर आस्ता आस्ता क्या हुआ जी, यहाँ पे हमारे पास जब यहाँ पे पेपर ज्यादा कलेक्ट हो गए, पेपर ज्यादा होने की वजह से कोलाइड हुए ठीक है, कोलाइड होने स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से कुछ क्या हुआ जी, दोबारा से सरफेस ऑफ लिक्विड पे आ गए ठीक है। तो ये वेपर जो होते थे दोबारा कन्वर्ट हो गए लिक्विड स्टेट, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है जी, कंडेंसेशन का नाम दिया जाता है। अब कंडेंसेशन रेट ऑफ वेपोरेशन ज्यादा हुई तो रेट ऑफ कंडेंसेशन स्टार्ट होगी ठीक है। तो एक स्टेज हमारे पास ऐसी आती है जब रेट ऑफ वेपोरेशन जो है, यानी जिस स्पीड से वेपोरेशन हो रही है उसी स्पीड से क्या होती है जी, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। दोनों की स्पीड, दोनों का रेट सेम हो जाएगा, जब रेट सेम हो जाएगा तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है जी इक्विलिब्रियम का।
तो ये जो हमारे पास स्टेज आ जाती है ये क्या है जी, इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि जो हमारे पास लिक्विड मौजूद होता है इसका जो लेवल है इसमें कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि जितने वेपर्स बन रहे थे उतने वेपर्स दोबारा से क्या आ जाते हैं जी, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से ये जो हमारे पास लिक्विड का लेवल है वो क्या रहता है जी, मेंटेन रहता है एट इक्विलिब्रियम। तो अब वेपर प्रेशर इसमें क्या है, ये जहाँ ये सरफेस पे वाटर की सरफेस के ऊपर जो वेपर्स कलेक्ट होंगे ये वेपर जोन से हैं, ये क्या करते हैं जी, प्रेशर एग्जर्ट करना शुरू कर देते हैं ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड। इस प्रेशर को नाम दिया जाता है जी वेपर प्रेशर का। ठीक है, क्या था हमारे पास कि हमने एक कंटेनर था, ठीक है, कंटेनर में लिक्विड लिया, उसमें से एयर हमने रिमूव कर दी, उसको क्लोज फॉर्म में कर लिया, ठीक है, लिड से। तो फिर हमने उसको हीट किया, हीट करने से क्या होगी जी, वेपोरेशन होगी, मॉलिक्यूल एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे, हीट अब्सॉर्ब करेंगे, कन्वर्ट होंगे जी वेपर्स में। वेपर्स आप एयर में मूव नहीं करेंगे बल्कि यहीं पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। जब वेपर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो तब ये क्या करेंगे जी, आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड से दोबारा वेपर स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है, ये कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्टिंग में रेट ऑफ वेपोरेशन होगी ज़्यादा होगी और कंडेंसेशन क्या होगी जी, कम होगी, लेकिन जैसे जैसे नेक्स्ट प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा तो रेट ऑफ वेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों क्या होते जाएंगे, मेंटेन होते जाएगा, और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी इक्विलिब्रियम स्टेट जहाँ पे रेट ऑफ वेपोरेशन इक्वल हो जाएगा जी रेट ऑफ कंडेंसेशन के। इस स्टेज पे जो हमारे पास लिक्विड है इसका लेवल क्या रहता है जी, मेंटेन रहता है, क्योंकि जितने वेपर्स बन रहे हैं उतने ही वेपर्स दोबारा से क्या आ जाते हैं जी, लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। नेक्स्ट इसी के साथ है जी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या है, वेपर जो एग्जर्ट हो रहा है, वेपर से एग्जर्ट कर रहे हैं उसी लिक्विड पे, ठीक है, अपनी सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे ही जो वेपर अप्लाई प्रेशर अप्लाई करते हैं वेपर, उसको वेपर प्रेशर का नाम है। अब वेपर प्रेशर पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, तो इसको अगर हम देखें तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे रेट ऑफ वेपोरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, रेट ऑफ वेपोरेशन ज़्यादा होगा फिर साथ ही रेट ऑफ कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर वेपर ज़्यादा बनते जाएंगे, वेपर ज़्यादा बनेंगे तो क्या होगा जी, कुलियन ज़्यादा होगी, प्रेशर ज़्यादा रिजल्ट होगा, तो उस प्रेशर को जो सा है वो क्या नाम दिया जाता है, वेपर प्रेशर का। टेम्परेचर इंक्रीज करने से हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है जी, इंक्रीज होता है। वेपर प्रेशर में ये करने में जो प्रिंटर्स यूज़ किया जाता है उसको बैरोमीटर कहते हैं। अब बैरोमीटर क्या होता है जी, एक हमारे पास लॉन्ग ट्यूब होती है जिसमें मर्करी फिल होता है, ठीक है, इस ऑपरेटर्स को यूज करके फिर क्या किया जाता है जी, किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो मेजर कर लिया जाता है। तो ये थी हमारे पास दो प्रॉपर्टीज, ठीक है, लिक्विड की वेपर प्रेशर है ना, वेपर प्रेशर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट दो प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे।